आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पुलिस व प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कोई मदद। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं मिली मृतक की लाश, जबकि स्थानीय लोग खोजबीन में जुटे हैं। अभी तक उसका कहीं अता पता नहीं चल सका है। मामला थाना क्षेत्र मोहनगंज के गांव गढ़ेरी निवासी सावले पुत्र कन्हैया रेदास 34 वर्षीय सुबह के वक्त अपने घर से शौच के लिए ग्राम से बाहर गया था, लेकिन जब वह काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो बच्चे उसे खोजने निकले तो नहर के किनारे चप्पल व शौच का डिब्बा पड़ा मिला, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नहर में डूब गया है। ग्रामीणों द्वारा जब उक्त घटना की सूचना दी गई तो पुलिस ने पहले तो आसपास तलाशने का पाठ पढ़ा दिया। भाई अब टट्टी निकले हैं, हाँ। थोड़ा देर लाग तो हम हेरे गए, हाँ हाँ। तो हुआ लौट आए, फिर यहाँ आए, यहाँ अपने टोला मोहल्ला में बतावा तो यहाँ सबके हेरा शुरू की है। चप्पल डब्बा देखा कहाँ पे? नहर पे। नहर के किनारे दिखा कि हाँ। अच्छा, क्या नाम था आपके बच्चे का? कन्हैया। क्या करते थे? कुछ नहीं, बस अपने यहीं मंजूरी धतूरी कह के अपन समय बिताई था। तो आपके ये एक लड़का, ये सबसे बड़ा था या छोटा था? बड़ा। सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। बाकी के दो कहाँ हैं? दो सब दिल्ली में है, अपन कमाल खा रहा है। ये आपके साथ रहते? हाँ, ये हमारे साथ ही रहता है। आपका क्या नाम है? माया देवी। मेरा लड़का है। आपने इसकी सूचना कहीं की? नहीं, हम तो कहीं नहीं किया। पुलिस विभाग में या कहीं कोई सूचना नहीं किया आपने? नहीं, मैं तो नहीं किया, प्रधान ने किया था। अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आए थे चले गए। कौन आया था? अरे पुलिस वाले आए थे, चौकी इंचार्ज आया था। हाँ, ये कितनी समय घटना है? ये तो है 7 बजे करीब का है, सुबह। हाँ, अभी तक बॉडी नहीं मिली ना। और पुलिस कितनी देर तक यहाँ रही? पुलिस रही है 2 घंटे तक, 10 बजे तक। वो अच्छा, 8 बजे 9 बजे तक। आपकी पुलिस ने क्या मदद की? मेरे कुछ नहीं मदद नहीं की पुलिस वाले की, आया और अपना जब तक रहे रहने चले गए। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये कौन सा गांव है? गढ़ेरी।